आपकी जो ये सेकंड क्लास है स्टैटिस्टिक्स की, इसमें हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो टाइप ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं। तो देखो, आप जब फर्स्ट स्टेप, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर चुके होते हो, तो आपको ये देखना होता है कि हमारा डेटा कौन सा है, रिलेवेंट डेटा कौन सा होता है, जिससे आपके प्री डिटरमाइन पर्पज या ऑब्जेक्टिव आपका पूरा होगा। तो सबसे पहले काम क्या है, आपने ये देख लिया कि हमारा डेटा किस तरीके का होगा, इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की प्रोसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किस तरीके का आपके आपके लिए जो डेटा है वो रेलेवेंट है। आपने ये जब डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें इस तरीके का डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो कि भाई एवरेज इनकम ऑफ दी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, तो आपको क्या चाहिए, उनकी इनकम से रिलेटेड डेटा चाहिएगा। ठीक है, तो वो आपने ले लिया, आप डेटा आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के लिए आप देखोगे कौन सा मेथड आपके लिए रहेगा। ये हो सकता है कि आपके लिए कौन सा डेटा है, डेटा डिफाइन करना पड़ेगा, प्राइमरी डेटा है सेकेंडरी है, तो प्राइमरी का मतलब भी हम समझेंगे, सेकेंडरी का मतलब समझेंगे। आफ्टर दैट जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि डेटा किस तरीके का है, फिर हम करेंगे कलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन क्या होंगे, तो देखिए अब आगे आपका आ गया सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपका आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, क्या करना है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने ये देख लिया कि हमारा इस तरीके का डेटा है, उसके बाद आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे डेटा को। ठीक है, किस में, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में और एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के। ठीक है, दो तरीके का डेटा होता है, एक तो प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट हैंड कलेक्शन, पहली बार कोई डेटा कलेक्ट हो रहा है, ओरिजिनल डेटा है, किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं करते हो। ठीक है, जब आप कोई चीज़ कोई डेटा पहली बार कलेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और वही डेटा अगर दोबारा से रीयूज हो जाए किसी दूसरे पर्पज़ के लिए तो होता है सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूनिवर्सिटी का डेटा है, जो यूनिवर्सिटी ने बनाया है, यूनिवर्सिटी के लिए प्राइमरी डेटा है, लेकिन ऑलरेडी वो कलेक्टेड है, उसके बाद आप लोगों को अवेल कराया गया है, आप लोगों को चाहिए आपके अपने पर्पज़ के लिए, तो हो गया सेकेंडरी डेटा। ठीक है, और क्या कह सकते हो, कोविड के केसेस आए, कोविड के केसेस जो गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है वन बाय वन, तो वो क्या हो गया प्राइमरी, एंड आफ्टर दैट किसी इंस्टीट्यूशंस को मिले, किसी उसको मिले, तो उसको बोलते हैं आप सेकेंडरी डेटा। ओके, वेरी गुड, क्लियर हो गया ना प्राइमरी डेटा। अब देखो, आपको ना ये पता होना चाहिए कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, प्राइमरी जो डेटा होता है आपका, वो आपका खुद के एफर्ट से, खुद के पर्पज से, स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है प्राइमरी डेटा। ठीक है, और ओरिजिनल डेटा होगा, अब कोई आपसे पूछे कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, प्राइमरी में ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना, और ये ओरिजिनल डेटा होगा, तो यानी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए इसको आप कलेक्ट कर रहे हो, जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, जिस पर्पज के लिए आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो वो उस पर्पज के लिए पहले कलेक्ट नहीं हुआ था, वो बाद में आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो क्या हो गया आपका सेकंड हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड किसी और का था, अब आपके लिए क्या होगा सेकंड हैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्राइमरी डेटा की, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होता है, जहाँ से इसका ओरिजिन होगा, और ये जहाँ सेकेंडरी डेटा, जहाँ पर ये अवेलेबल होगा ना डेटा, वहाँ से कलेक्ट होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जो भी पर्सन है वो पहला पर्सन होता है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी डेटा क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी किसी पर्पज के लिए यूज हो चुका है, आपने अपने पर्पज के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट मॉडिफिकेशन करने के बाद आप यूज कर रहे हो, वो क्या होगा आपका सेकेंडरी डेटा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी, या ओरिजिनल कौन सा, इस तरीके से अभी हमने बात कहा ओरिजिनल डेटा कौन सा होगा प्राइमरी, क्योंकि ये पहली बार कलेक्ट हो रहा है, किसी तरीके की मिलावट नहीं होगी। सेकेंडरी डेटा आपका क्या है, सेकेंडरी मतलब ये आपका क्या है, फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद, जैसा आपको चाहिए उस तरीके में आप ले सकते हो। ठीक है, तीसरा आपके पास आया, जैसे आपका ऐसे नहीं हो जाएगा, जैसे आपके मार्क्स हैं, जब आपका इवेल्युएट हो रही है आपकी कॉपी, तो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, तो टू मार्क्स इसमें टू, धीरे धीरे इकट्ठा करके एक मार्क्स लिख के दे दिया, लेकिन यही मार्क्स यूनिवर्सिटी की साइट पे आप लोगों ने देखा तो बिल्कुल वो रेडी मटेरियल आपको मिला है, फिनिश प्रोडक्ट, कि हमारे इतने मार्क्स आए, तो क्या हो गया सेकेंडरी डेटा। ठीक है,
सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखो प्राइमरी डेटा वहाँ पर आपका सूटेबल होता है जहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको अटेन करना हो, तब आपका प्राइमरी डेटा ही लगेगा। कोविड के केसेस के केसेस में स्पेसिफिक था तो वहाँ पर आपका लगाया प्राइमरी डेटा, ठीक है। किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रखा है, जो डेटा कलेक्ट हो रखा है तो वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा, वहाँ पर यूजफुल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम डेटा है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आपकी, एक सेम डेटा है वो किसी के लिए प्राइमरी हो सकता है और किसी के लिए वही डेटा सेकेंडरी होगा, बिल्कुल ठीक है या नहीं है। सेम डेटा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई डेटा कलेक्ट किया, या आप ऐसे कीजिए मार्केट से कोई चीज़ मैं लेके आया और आपको भी उसकी चीज़ रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं तो सोर्स से लेके आया हूँ ना जहाँ से, तो मेरे लिए तो प्राइमरी हो गया, आपने मेरे से ले लिया तो क्या हो गया आपके लिए सेकेंडरी। तो डेटा तो सेम ही है, दो पेन लेके आए, एक पेन वो हो गया, एक ही हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि एक तरीके का डेटा किसी एक पर्सन के लिए आपका ओरिजिनल या प्राइमरी डेटा हो सकता है और किसी दूसरे के लिए वो सेकेंडरी डेटा हो सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास आया कौन से मेथड है डेटा को कलेक्ट करने के, तो देखो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन कॉरेस्पोंडेंट, मेल क्वेश्चनियर मेथड और शेड्यूल सेंड थ्रू एनुमरेटर्स। ये पांच टेक्निक है आपकी बेसिकली जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा डेटा, प्राइमरी डेटा। वन बाय वन हम करते चले जाएंगे। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू या इन्वेस्टिगेशन। देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है मैं हूँ एक रिसर्चर या मैं, मेरे को डेटा चाहिए, तो जिसके पास वो डेटा मिलेगा ना, जिससे रिलेटेड डेटा, मैं उसी से डायरेक्ट बात करूँगा, उसी का इंटरव्यू कर लूँगा, ठीक है। मतलब मेरे को आपसे रिलेटेड डेटा चाहिए तो मैं आपसे ही बात करूँगा, एक्स से चाहिए तो एक्स से बात करूँगा, वाई से चाहिए तो वाई से चाहिए। तो ये देखो ओरिजिनल डेटा हो गया पूरा का पूरा, जिससे जिस जिसके पास डेटा है, जिस जिससे मेरे को लेना है उसी से मैं बात करूँगा, तो क्या होगा आपका ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये डेटा देखो ये कहाँ पर आपका ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, आपने थोड़ी देर के बाद आप डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कौन सा कहाँ वो होगा, मतलब अप्लाई होता है, सूटेबल होता है। दूसरा देखिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये क्या होता है, अब बात ये है कि क्या आप सीएम खट्टर से मिल सकते हो, थोड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग शायद नहीं मिल पाएंगे या थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है लाइक, या किसी ऐसे पर्सन से जिस जो अपनी इंफॉर्मेशन देने में मतलब क्या है सक्षम नहीं है, या उसे आपका कांटेक्ट नहीं हो सकता, तो उस केसेस में क्या होगा, उससे जो रिलेटेड पर्सन होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी पर्सन होता है हम उससे बात करके डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब उस जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल देखो कुछ मतलब ये लगा लीजिए जो मुखमदी जैसे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनसे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा आप उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे आप बात कर सकते हो, कर सकते हो ना, बिल्कुल ठीक है। आप ये देखो इनडायरेक्ट ओरल, इनडायरेक्ट ओरल, आप डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते, आप उसके थ्रू जिसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली मिलेगी, जिसके पास उस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल उसे मिलेगी, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे मैंने अभी सीएम का एग्जांपल दिया था, आप सीएम से नहीं मिल सकते, लेकिन सीएम से रिलेटेड डेटा किसी मतलब डीसी ऑफिस में है, आप जो हो यहाँ पे, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो, यहाँ के किसी एम्प्लॉय से बात करके। इसी तरीके से मैंने कहा कि कोई एक्स पर्सन है जो बोल नहीं सकता, इसका रिलेटिव है वाई, इससे बात कर सकते हो आप, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर ऐसे कोई इंसिडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल अभी वो गुजरात में नहीं है, वो अभी पुल गिर गया है, हाँ, तो उससे रिलेटेड जिस जिसने देखा उससे आप ले लो, जो मर गए उसने थोड़ी देखा, वो मरने वाले तो डेटा कैसे देंगे, है ना, जो ट्रेजडी हुई है तो आप क्या लेंगे, जो उसने देखा है वो डेटा दे रहे हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, समझे ना बात को। तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट्स, अब आपको डेटा चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए, आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने इसको ना अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसने क्या किया, इसने
टी जेड एल पी ये पर्सन को अपॉइंटमेंट कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन वो करेंगे कलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हुआ क्रोस्पोंडेंट हो गए, इसके लिए काम कर रहे हैं या एनुमरेटर्स बोल सकते हो, और ये डेटा को कलेक्ट करके और इसको आप अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आया क्वेश्चनियर मेथड, तो क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, आपके पास भी आया होगा, और उसको आप फिल करके दे दीजिए तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आजकल क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ई क्वेश्चनियर या मेल क्वेश्चनियर, गूगल फॉर्म में क्वेश्चनियर ऐसे बनने लगे, तो मेल क्वेश्चनियर मेथड भी यूज हो सकता है। और लास्ट आया आपके पास शेड्यूल सेंड टू थ्रू एनुमरेटर्स। अब देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चनियर जो आपने भेजा वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और अपने हरियाणा में मतलब मोस्टली लोग नहीं जानते, और वीमेन का डेटा चाहिए था आपको, और वो आपकी अनएजुकेटेड है लाइक, तो फिर आप ना क्या कर सकते, उससे डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते क्वेश्चनियर के थ्रू। तब क्या होगा, शेड्यूल क्वेश्चनियर का ही फॉर्म होता है, लेकिन आप ना जैसे आप एनुमरेटर में, तो आप जो जिसे डेटा कलेक्ट करना है वो जाके उससे पूछेगा भैया, उसका क्वेश्चनियर का फॉर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें नेम पूछ लिया, अभी आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, वो क्या बोलते हैं इनकम क्या है, सारे की सारा डेटा ले लेगा। अगर क्वेश्चनियर के क्वेश्चन पूछ पूछ के अगर सामने वाला भरे यानी एनुमरेटर भरे तो वो शेड्यूल होता है, ठीक है, और अगर वो खुद ही भरे तो क्वेश्चनियर हो गया। चीज बस इतना ही फर्क है, नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी, वो अगर वो बढ़ रहा है रेस्पोंडेंट बढ़ रहा है तो क्या हो गया क्वेश्चनियर, और अगर एनुमरेटर बढ़ रहा है तो क्या हो गया शेड्यूल हो गया, इतना ही फर्क है। आगे समझ में, ठीक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस आए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना हो तो इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करोगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा, आपकी जो न्यूज़पेपर एजेंसीज है वो कौन सी टेक्निक यूज करेगी इनमें से, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी क्रोस्पोंडेंट। आप देखते नहीं मीडिया के जो एजेंट होते हैं, ये यही कहीं कहीं जहाँ पर जहाँ भी इवेंट होते हैं वहाँ वो इकट्ठी करते हैं, वहाँ जो उनका भी हेड ऑफिस या जो पब्लिकेशन हाउस है वहाँ पर अवेलेबल करते हैं, तो ये क्या होगा क्रोस्पोंडेंट, ठीक है। तीसरा, जब आपकी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड हो, इलिटरेट हो, तो आप क्या लगाओगे शेड्यूल्स के थ्रू करोगे, ठीक है। और जैसे कि मान लो आप हरियाणा की हो, तमिल की लैंग्वेज में क्वेश्चनियर, तो आपको नहीं पता क्या है, आप बेशक एजुकेटेड हो लेकिन आपको क्या तमिल नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती आपके पास, मलयालम नहीं आती, 50 तरीके की भाषा आपको नहीं आती, तो फिर आप क्या करोगे, तभी भी शेड्यूल लगेगा, है ना। वो देखिए ना आपने वो मूवी, कौन सी है वो मूवी, बाहुबली, उसमें वो काल के होता है, काल के का ट्रांसलेटर होता है, तो उसी तरीके से है वो, क्या है आपका इसी शेड्यूल वाला सिस्टम है कि वो उसको बता रहा है, वो उसको आंसर दे रहा है लाइक दिस, ठीक है। और क्वेश्चनियर मेथड, जब आपकी पॉपुलेशन लिटरेट हो तब आपका लग जाएगा। याद रखें वर्ड्स में आएंगे आपके क्वेश्चन, लाइक जैसे कि जब आपकी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लेक्स हो, टेक्निकल हो, जो दूसरों को समझाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप शेड्यूल को यूज कीजिए। और क्वेश्चनियर में और शेड्यूल में फ़र्क समझ में आ गया आपको, ठीक है। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कब यूज़ हो गई ये पता लग गया, इनडायरेक्ट ओरल जब ये खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता हो या फिर उस तक पहुंचना मुश्किल हो, तब आपका इनडायरेक्ट ओरल लगेगा। क्रोस्पोंडेंट का भी समझ में आ गया, मेल क्वेश्चनियर और इस, ठीक है ना, सब समझ में। हाँ उनसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो किसी के थ्रू ले लो, हाँ ठीक है। तो सभी समझ में आ गया आपको, इसकी ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं कि जब आपका कौन सा कहाँ सूटेबल हो, एरिया तब कौन सा लगेगा, तब देखिए आपका क्वेश्चनियर मेथड लग सकता है, आपका शेड्यूल लग सकता है, क्रोस्पोंडेंट ये भी लग सकता है। जब आपके एरिया बिल्कुल स्मॉल हो ना तो आप ये लगाओगे या ये लगाओगे, ठीक है। शेड्यूल भी लग जाएगा, शेड्यूल लग सकता है लेकिन अलार्ज के लिए भी लग जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जो कि 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हुई, इस साल शायद शुरू हो जाए इलेक्शन के बाद, या 22 या 23 में जब भी शुरू हो जाएगी काउंटिंग पॉपुलेशन, तो वो कौन से मेथड से होती है, शेड्यूल से होती है ना। आपके घर टीचर्स आते हैं, वो पूछते हैं कितनी साइकिल है, सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं,
कितनी ये है कितनी है, तो वो शेड्यूल होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन की इंडिया की पॉपुलेशन कैसे काउंट की जाती है, कौन से मेथड से, तो शेड्यूल में। ठीक है, तो अब ये भी क्लियर हो गया कि भाई कौन सा कहाँ लगेगा, ओरिजिनल डेटा रिक्वायरमेंट हो बिल्कुल, आप डायरेक्ट आप ना कुछ मैनिपुलेशन नहीं चाहते तो डायरेक्टली पूछ लीजिए, इनडायरेक्ट में भी मैनिपुलेशन हो सकती है लेकिन इतनी नहीं होगी, प्राइमरी डाटा पूरा का पूरा ओरिजिनल होता है। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, एक और चीज़ आती है कि एक जो क्वेश्चनियर है उसमें क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखो, जब एरिया बड़ा वाइड हो ना तो क्वेश्चनियर अवेलेबल करा दो। कैसे, आप कोई फ्रांस है यूके है जर्मनी है, वहाँ के लोगों को आप मेल कर दो, फॉर्म फिल करके आ जाएगा, आपका क्या दिक्कत है, हो गया ना फिर है, सभी करते हैं ऑलमोस्ट गूगल फॉर्म के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या क्या क्वालिटीज होती है गुड क्वेश्चनियर की, देखो बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चनियर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो आपने देखा ही एक जैसे 10-5 क्वेश्चन के आंसर तो ठीक भरते हैं लोग मोस्टली केसेस में, बाकी फिर टिक 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 लाइक दिस, तो मतलब वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती डेटा की। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखिए, सिंपलिसिटी रखिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का कि पहला क्वेश्चन क्या होगा और लास्ट में क्या आना चाहिए, तो वो प्रॉपर एक सिक्वेंस हो, कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं हो, किसी की प्राइवेसी को लीक ना करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है, पार्शियलिटी बिल्कुल ना होनी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, पर्टिकुलर रीजन के लिए, ऐसी पार्शियलिटी होगी तो भी आपके रॉन्ग डेटा आएगा आपके साथ। ठीक है, और आपके कैलकुलेशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब ऐसा क्वेश्चन मत डालो जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़े, नॉर्मल से क्वेश्चन डालो। एक होती है पायलट सर्वे प्री टेस्टिंग, अब ये क्या होता है, आपने जो क्वेश्चनियर बनाया है क्या वो ठीक बना है, क्या उसमें ठीक तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड है, इसको चेक करने के लिए आप पायलट सर्वे कर रहे हो। जैसे आपने 1000 बंदों से डेटा ले रहे हैं तो उसका 10% हो गया 100, तो पहले 100 पे वो ट्राई करके देखो, और वो जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया उस पर आप एक टूल लगता है, एक मतलब स्टैटिस्टिक्स लगती है क्रोनबाच अल्फा, अगर उसकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा आती है ना तो क्वेश्चन आपका रिलायबल है, मतलब उस पर आप आगे डेटा स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैंने क्या बताया, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या होगी, आपकी फाइनल स्टडी से पहले एक टेस्ट करके देख लो कि क्या ये क्वेश्चन ठीक बना या नहीं, इट इज़ कॉल्ड प्री टेस्ट। आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद आया इंस्ट्रक्शन दीजिए कैसे भरना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहिए कि क्या ठीक भर रहा है या नहीं, और आप एक बात एक और चीज़ रखिए कि रिक्वेस्ट कीजिए कि वो क्वेश्चनियर आपको रिटर्न कर दे, फिल कर दे। ठीक है ना, ऑर्डर नहीं दे सकते आप, तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज होनी होती है। उसके बाद आपने पढ़ लिया शेड्यूल कहाँ लगता है, अब आया सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ से आपने एक चीज़ समझनी है, प्राइमरी डेटा के कौन से मेथड्स हैं, कौन सा कहाँ सूटेबल होता है, और क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा है, टाइम एंड कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, और क्या था आपके पास स्पेसिफिक डेटा भी प्राइमरी डेटा होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करने के लिए, पर्सनल इन्वेस्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर आपने पढ़ा इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और जैसे कि मीडिया एजेंसी आप कहेंगे न्यूज़पेपर एजेंसी इसी में यूज़ करती है। उसके बाद मिल्ड क्वेश्चनियर मेथड और आपका शेड्यूल, ये 5 टेक्निक है, तो आप बता सकते हो कौन सी कहाँ लगेगी बिल्कुल अच्छे से। सेकेंडरी डेटा दो तरीके का होता है, एक तो पब्लिश सोर्स, एक आपका अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स क्या है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और उसको पब्लिश कर दिया जाता है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज, RBI की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ठीक है, IMF की रिपोर्ट, और 50 तरीके की रिपोर्ट जो होती है, वो क्या होती है, जो पब्लिश की जाती है पब्लिश सोर्सेज। और अनपब्लिश क्या होती है, जिसको कलेक्ट तो कर लिया गया और जिसको पब्लिश नहीं किया गया, तो क्या होती है आपकी अनपब्लिश। ठीक है, एक अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जोली LLB 2, तो उसमें वो 5 लाख रुपए देके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता है गंगा वहाँ पर, अगर आपको याद हो थोड़ी सी एक सीन आता है वो, कि वो 5 लाख रुपए में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मतलब डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड था उस पुलिस ऑफिसर जो भी था वो, लेकिन उसने डेटा को पब्लिश नहीं कर रखा था पुलिस ने, तो वो डेटा लेने के लिए उसने कॉस्ट पे की थी, तो वो क्या होगा अनपब्लिश। अनपब्लिश मींस ये जो डेटा कलेक्टेड है बट वो आपका पब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिश का मतलब डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको पब्लिश कर दिया है, फॉर एग्जांपल फॉर द जनरल पब्लिक, मैंने कहा एनुअल रिपोर्ट आती है, ठीक है, बैलेंस शीट, ये P&L आती है, ये सब एनुअल रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, RBI की रिपोर्ट है आपके पास, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो ये सब क्या आपके पास पब्लिश सोर्सेज। ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये देखो एक और चीज़ आई आपके पास इम्पोर्टेंट,
जब आप सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो ना, तो कुछ आपके प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंडरी डेटा में सबसे पहले आपका क्या आता है, ये देखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आप डेटा ले रहे हो उसकी एबिलिटी क्या है, क्या वो आपके पर्पज को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे एक CMIE, एक इंडिया में क्या है कि वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो वो क्या करता है कि जितने भी आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है ना, सबका डेटा मिल जाएगा CMIE पे, प्रोवेस पे। वो डेटा ऑथेंटिक है या नहीं है वो आप पहले उसकी देखिए कि वो आपके आपकी जो नीड है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं। अगर आपको लगता है हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरे डेटा को फुलफिल कर रहा है कर पा रहे हैं, तो आप कीजिए वहाँ से डेटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास आया ऑब्जेक्टिव और स्कोप। आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप अपना डेटा लीजिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि डिविडेंड पे आउट कैलकुलेट करना है आपका कंपनीज का, तो आप डिविडेंड का डेटा लेंगे, है ना। तो आप ये तो नहीं कि कॉस्ट का डेटा लेंगे, अगर कॉस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो आप कॉस्ट का लेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आप मेथड ऑफ कलेक्शन किस मेथड से लोगों, यानी सेकेंडरी डेटा में भी किस मेथड से आपको कलेक्ट करना है, मतलब उसकी साइड से डायरेक्टली लेना है, किस फॉर्म में लेना है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। कितना टाइम है, कंडीशन क्या कलेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं अपना बताता हूँ, मेरा जो PhD का जो वर्क था वो जब मैंने मेरा जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब मैंने रखा कि वो 2008-09 से 2017-18 तक काम रहेगा, लेकिन मेरी अभी जैसे रिसेंटली सबमिट होनी है तो अभी क्या है कि मैंने वो डेटा एक्सटेंड करना पड़ गया 2020-21 तक का। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने उसको अपने टाइम पीरियड को बढ़ा लिया। तो मेरा डेटा अगर मैं 18 तक की PhD करता हूँ तो रिलेवेंट नहीं होता, 3 साल और ऐड हो गए हैं, तो वो इसलिए मेरे को ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई, तो इसलिए ये भी देखना आपने। एक आपका डेफिनेशन किस किस यूनिट, मतलब कि आप जिसे डेटा ले रहे हो उसकी डेफिनेशन, एक्यूरेसी ऑफ डेटा कि एक्यूरेट है या नहीं, ये सब चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा।